वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार स्टेट 2023 के लिए कंप्यूटर साइंस के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन दिया है, इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे नोट को जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट को आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क करें 7631314948 पर। कंप्यूटर साइंस के नोट्स हिंदी मीडियम में आज हम देखेंगे। हमारे पास 600 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन। कंप्यूटर साइंस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह नोट तैयार किया गया है, जिसमें आप 600 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन पाएंगे। आइए आज के वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो में सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे नोट को प्राप्त करें। इसमें 100 मार्क्स के कंप्यूटर साइंस के अलावा 50 मार्क्स के पेडागोजी एंड अदर स्किल्स भी मिलेंगे। शिक्षण कला और अंदर साथी बना क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था? सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की दुनिया में जो था उसका नाम है फोरट्रान। फोरट्रान प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप में कौन स्टोर रखता है? वो है रोम। इसमें डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। रोम का पूरा नाम डिस्क वाली मेमोरी होता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मेन सर्किट होता है उसे मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है? कार्डिक बग, यानी एक एरर होता है, वायरस होता है जो बग कहलाता है या काम में त्रुटि लाता है। आपके काम अटकेंगे, थोड़ी देर कुछ खुलेगा, कुछ बंद करेंगे बंद नहीं होगा, ये सब क्या है बग होता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक बग जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजता है वह क्या कहलाता है? बग कहलाता है। जिस तरह रोड पर गाड़ी चलती है उसी तरह एक बग होता है कंप्यूटर में जो सिग्नल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजता है। आप कीबोर्ड के बटन को दबाएंगे स्क्रीन पर लिखने लगता है, ये सब सिग्नल है जो बस द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है। यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे पेंड्रा कहा जाता है, ये सब तरीके के स्टोरेज डिवाइस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किताब के रूप में जाने जाते हैं जॉन मैक कैरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर में एक तरह का इंटेलिजेंस होता है जो आर्टिफिशियल होता है, सुपर कंप्यूटर वगैरह। इसके पिता जॉन मैक, कौन सा शब्द डेटाबेस से संबंधित है? ओरेकल का संबंध जो है डेटाबेस से है। कंप्यूटर रेगुलेशन के उपाय कौन है? पिक्सल की संख्या। कंप्यूटर में जो रेगुलेशन होता है वो पिक्सल के कारण होता है। 720x1024 का जो है पिक्सल। मोबाइल रिकॉर्डिंग में भी, यूट्यूब वीडियो में भी आप देखे होंगे, HD होता है, SD होता है, 4K होता है, ये सब पिक्सल पे डिपेंड करता है। एक उदाहरण, कितने बिट के बराबर होता है? कुल बिट के बराबर होता है। डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में क्या माना जाता है? लॉजिक गेट। तर्क गेट जो होता है डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। रैम का पूरा रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक संग्रहण उपकरण है? हार्ड डिस्क एक द्वितीयक संग्रहण उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करने के लिए क्या जिम्मेदार है? पता बस जो होता है मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर USI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है? USI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? CPU में अवस्थित होता है। वर्तनी की जांच के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं F7। कंप्यूटर कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन की होते हैं F1 से F12 तक, जिसमें F7 का काम होता है वर्तनी की जांच करना। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो उसमें F7 दबाएंगे तो लिखावट की वर्तन को ये जांच लेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है
तो इसे एक लिंक में जाना जाता है जिस कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो उसे मल्टी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को चालू करने के लिए हार्डवेयर घटकों की जांच के लिए PIUS द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए हार्डवेयर घटकों की जांच के लिए PIUS द्वारा पुश प्रोग्राम चलाया जाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और लोड करने के लिए क्या जिम्मेदार है। बूटस्ट्रैप लोडर रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है और लोड करता है। यूआरएल का पूरा रूप क्या है। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 23 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस एक डीआईएस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एक बाइट है। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली आम भाषा कौन है। एचटीएमएल। एचटीएमएल अगर आपको आता है तो आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 पीआईयूएस का उपयोग क्या है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या करता है। इंटरनेट का जनक कौन है। इंटरनेट के जनक है। बैंकिंग रेलवे आदि में इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग में रेलवे में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। स्तंभ और पंक्ति के अंतर को स्लैश कहा जाता है। एमएस एक्सेल से संबंधित है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। 10-24 किलोबाइट के बराबर होता है। किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्टेयर वर्गीकरण जिसे आप याद रखेंगे। EXIF कुल छवि फाइल प्रारूप ये इसका फुलफॉर्म हो गया। रैम द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं पढ़े और लिखे। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर www का अर्थ क्या होता है। वेबसाइट में आपने देखा होगा किसी भी यूआरएल को जब ओपन कर रहे हो www लिखा आता है। इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब है। डॉक्यूमेंट मूव ही इमेज और फोटोग्राफ आदि को क्या कहते हैं। क्या तत्व होते हैं एक फाइल सर्वर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर संग्राहक क्या जाता है। कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को कहां सेव करते हैं यानी जो जीपी डिस्क होता है उसमें कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को सेव किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में ओएसआई क्या होता है। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। सही जवाब है ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जीयूआई का संबंध होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संबंध जीयूआई से है। रोम क्या है। गैर वाष्पशील है। रोम गैर वाष्पशील है। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आमतौर पर निम्नलिखित में किस भाषा का उपयोग करते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जावा भाषा का उपयोग किया जाता है। MPG एक फाइल एक्सटेंशन है। इसमें किस प्रकार की फाइल होती है। MPG में वीडियो फाइल होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इंजन है। प्रोसेसर कंप्यूटर इंजन है। 41 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई कंप्यूटर अनुकूल डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे डेटाबेस सर्वर के रूप में जाना जाता है। यानी डेटाबेस सर्वर कौन है। जब कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट पैकेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। जो इंटरनेट पैकेट होता है उसमें ऑर्डर करने के लिए स्विच होता है। मेमोरी और एयू किसके बीच संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेमोरी और एयू कंट्रोल यूनिट के बीच संचार के लिए जिम्मेदार। सीपीयू में जो दो पार्ट होता है उसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एसी को डीसी में किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर में एक मशीन होता है SMPS ये एसी को डीसी में बदलता है। आपके बोर्ड से जो लाइन जाता है वो SMPS में जाता है और SMPS से कंप्यूटर के हर पार्ट में लाइन जाता है। यानी एसी को इनपुट दिया SMPS और डीसी बना करके मदरबोर्ड को भेजा हार्ड डिस्क को भेजा सीपीयू को भेजा मॉनिटर को भेजा कीबोर्ड माउस को भेजा। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। कीबोर्ड के आविष्कार है क्रिस्टोफर लैथम शेल्स। क्रिस्टोफर लैथम शेल्स। किस वर्ष से कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी मानी जाती है। सन 1980 से कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी मानी जाती है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य कौन है? नियंत्रण इकाई और अंकगणित दर इकाई या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रकार है या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस जिसमें टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं, उसे डिजाइनिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दोस्तों अभी हमने कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है जो बिहार स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवारों के लिए है। कंप्यूटर साइंस में इस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए हमारे नोट सब्जेक्ट है। 45 पेज के इस नोट में आप जो है 600 प्रश्नों को प्राप्त करेंगे। ये जो वीडियो है जिसमें आपने 50 को देखा है ये एक सैंपल है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह नंबर पर और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर साइंस भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस विषय के कंप्लीट नोट्स के लिए साथ में पेडागोजी एंड अदर स्किल का नोट प्राप्त करने के लिए आप हमसे WhatsApp करके आप हमारे नोट्स को प्राप्त हमारे नोट्स आपके WhatsApp पर इमीडिएटली भेज दिए जाएंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को विजिट करें।